नमस्कार, बलिया लाइव के स्पेशल बुलेटिन हाल समाचार के साथ हम हाजिर हैं। आइए जानते हैं जिला जवार से लेकर आसपास की खास खास खबरें। बलिया जिले की नवागत डीएम अदिति शनिवार को बांसडीह कोतवाली पहुंची। शनिवार को ही कोतवाली में थाना दिवस कार्यक्रम का आयोजन था, जहां काफी सारे फरियादी पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने जनसमस्याओं को भी सुना और सभी वैध मांगों के निपटारे का आश्वासन दिया। थाना कोतवाली में पहुंचते ही जिलाधिकारी अदिति सिंह ने बारीकी से हर चीज का निरीक्षण किया। एक एक चीज की गहन जांच करते हुए मालखाना, दफ्तर, सीसीटीएनएस रूम, बैरक, रसोई को देखा, वहीं लोगों से पूछताछ के बाद लेखपालों से बात की। डीएम ने कहा कि जनता के लिए आप लोग ही सबसे पहली कड़ी हैं, निष्पक्ष कार्य होना चाहिए। अगर आप कहीं छापेमारी में जाएं तो फोर्स लेकर ही जाएं। इस दौरान एसडीएम दुष्यंत कुमार मौर्य और सीओ दीपचंद भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी बलिया अदिति सिंह के निर्देश पर नगरा में स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस टीम ने नगरा के 2 पैथोलॉजी केंद्रों पर छापेमारी की। छापेमारी में 1 पैथोलॉजी खुली तथा 1 बंद मिली। टीम पहुंचने से पहले ही अन्य पैथोलॉजी संचालक अपनी अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। जांच टीम को अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। एसके पैथोलॉजी पर लगभग 1 घंटे तक जांच टीम कागजात खंगालती रही, लेकिन पैथोलॉजी संचालक के मौजूद नहीं थे, न ही वहाँ कोई डॉक्टर था। एडिशनल सीएमओ ने बताया, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं मिला। नगरा बाजार में 5 अल्ट्रासाउंड की एवं 1 दर्जन से अधिक पैथोलॉजी सेंटर संचालित है। सिकंदरपुर के क्षेत्रीय लेखपालों ने थानाध्यक्ष सिकंदरपुर के व्यवहार को लेकर भारी नाराजगी जताई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की ओर से उप जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर थानाध्यक्ष का तत्काल ट्रांसफर करने की मांग की है। लेखपाल संघ ने पत्रक में कहा गया है कि जब तक थानाध्यक्ष का स्थानांतरण तहसील क्षेत्र से बाहर नहीं हो जाता, वह किसी भी थाना समाधान दिवस में हिस्सा नहीं लेंगे। आरोप है कि थानाध्यक्ष सिकंदरपुर विपिन कुमार सिंह ने लेखपालों को थाने से भगा दिया। इधर थानाध्यक्ष सिकंदरपुर विपिन कुमार सिंह आरोप को निराधार बताया है। बैरिया पुलिस ने यूपी बिहार के आधा दर्जन से अधिक गंभीर अपराधों में वांटेड अपराधी सुभाष गिरी को दबोच लिया है। उपाध्यापुर नई बस्ती निवासी सुभाष गिरी शनिवार को लूट की सफेद अपाचे मोटरसाइकिल से बिहार से 2.5 किलो गांजा लेकर आ रहा था। बालक बाबा पुल के पास पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 2.5 किलो गांजा, लूट की अपाची मोटरसाइकिल, 325 बोर का 1 कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। सुभाष गिरी पिछले साल शिवाल मठिया में हुई लूट में भी शामिल था। बैरिया पुलिस ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अराजक तत्वों की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। बैरिया के सीओ आर के तिवारी ने बताया कि यह सर्किल बिहार से घिरा हुआ है, इसीलिए चुनौती भी बड़ी है। यही वजह है कि बैरिया सर्किल के सभी थानों बैरिया, दोगटी, रेवती व हल्दी को आदेशित किया गया है कि थानों के जितने अपराधी व अराजक तत्व हैं, उन्हें जेल भेजा जाए या पाबंद किया जाए। सीओ ने कहा कि अपराधी चुनाव से पूर्व इलाका छोड़ दे, अन्यथा उनकी जगह जेल में ही होगी। पुलिस पंचायत चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। बैरिया तहसील क्षेत्र के रेवती थाना अंतर्गत श्रीनगर बिंदटोली गांव में शनिवार की दोपहर को चाय बनाते समय गैस स्टोव से लगी आग ने कई रिहायशी झोपड़ों को चपेट में लिया। इनमें हजारों रुपए नकद समेत लाखों रुपए का खाद्यान्न, कपड़े, घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों के घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी सूचना के बाद भी नहीं पहुंची। बाद में मौके पर पहुंचे लेखपाल रितेश कुंवर ने नुकसान का जायजा लेकर आर्थिक सहायता के लिए अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है। हाल समाचार के इस बुलेटिन पर अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप हमारी वेबसाइट balialive.in पर जाकर जिला जवार की खबरों से अपडेट रहें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।